5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, हरे कृष्णा, हरे रामा, 9 लाख, 10 लाख। लाला, आप जितना आगे गिनोगे उतना ही आपकी बेटी आगे पढ़ने की सोचेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो पढ़ाई की योजना कर रही है? आपके मना करने का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। तुम उसने खाना नहीं खाया है, असर कैसे पड़ेगा? खाना पीना तो आप भूल ही जाइए लाला। क्यों? अरे बचत करनी होगी ना अपनी बेटी की भलाई के लिए, खाना पीना छोड़ दो। घिसू, मुझे लगता है कि वो अगर फेल हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जरूर फेल हो जाती लाला, अगर हीरा लाल आज जिंदा होता। हीरा लाल? कौन हीरा लाल? वो क्या करता था? हीरा लाल? हीरा लाल की ऐसी काली जबान थी कि वो जो कहता था सच हो जाता था। अच्छा, हाँ? तो काली जबान से जो ठीक करना है हो सकता है? हाँ। और ये क्या कर रहे हो लाला? भगवान मेरी बेटी को फेल कर दे, मेरी बेटी को फेल कर दे, मेरी बेटी को फेल कर दे। अरे ये क्या हो रहा है? अब मेरी जबान काली हो गई है। लाला, ऐसे काली साड़ी पहने से काली जबान नहीं होती। काली जबान तो ऐसे ओरिजिनल होनी चाहिए, ऐसे जन्म से होनी चाहिए। तो ये उपाय बेकार? ये उपाय तो बेकार। वैसे एक और उपाय है मेरे पास। सैलोनी को रिजल्ट लेने जाने से रोकना चाहिए, तब आप 200 रुपए निकाल। तो फिर वो पढ़ ले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या खर्च है? खर्च नहीं है, खर्च है 20,000 रुपए पढ़ाई के। लेकिन उपाय क्या है? सुनो, अब शुकन की देवी जैसे ही सलोनी सीढ़ियां उतरेगी ना तो रास्ता काट देना। जाओ, ऑल द बेस्ट, गो। ओहो भैया, कितनी देर लगाते हो? तुमने रास्ता नहीं काटा। बेहया है, सीधा रास्ता काटने के बजाय तू दूध दबा कर रुक गई है। मेरे पैसे का दूध पीती है, तू दूध हरा भी हो गई, अब सीधा रास्ता काटना। हाँ, तू फेल हो गई। कैसे बता? बिल्ली ने रास्ता काटा ना। काटा कहाँ है, वो तो आके पैरों में गिरी है। नहीं, लेकिन अब शुक्र हो गया ना। कहते हैं पिता का चेहरा देखने से सारे अपशुकन खत्म हो जाते हैं। वो तो अच्छे पिता के, मैं तो मनहूस हूँ। फिर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली की रास्ता काटने की मनुष्यत और आपकी मनुष्य शुभ हो जाएगी। नहीं, फेल हो जाएगी। नहीं, अपशुकन हो गया। तू कुत्ते की रोने की आवाज कुत्ते ने भोग दिया, अब शुकन हुआ ना, अब तू पास नहीं होगी। कुत्ते के भोगने से फेल पास का क्या संबंध? अरे कहाँ चली? देखा, तेरी माँ ने टोक दिया, अब शुकन हुआ ना, पहले बिल्ली फिर कुत्ता फिर तेरी माँ, तू कभी पास नहीं होगी। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती। ओके बाय। चलो नहीं, दही तो खा लीजिए। अरे घर में तो शक्कर नहीं थी, तुमने ऐसे खिला दिया? मैंने नमक डाल दिया। नमक डाल दिया तो तू अपशुकन हो गया। अरे कहते हैं कि दही के साथ तो लोग शक्कर खाते हैं तब तो अपशुकन होता है, तूने अपशुकन खिला दिया। तू पास में होगी, जाओ मत जाओ मत जाओ। बाबूजी, फिर भी देखने में क्या बुराई है? चलो भैया, चलो। सारे जतनों पे ठोकर मारकर चली गई। फिक्र मत करो लाला, देखना इतने अपशगुन हो गए हैं कि कॉपी में से नंबर तो क्या पूरी मार्कशीट ही गुम हो जाएगी। और जितनी चहकती हुई गई है ना उतनी ही पीली होकर वापस आएगी, और देखना चेहरे पे से हवाइयां उड़ जाएगी। हवाइयां? अगर यकीन ना हो तो इंतजार करो। नमक आया है। Thank you.
मैंने कहा था ना, उड़ गई ना हवाइया, हो गया ना रंग पीला। मैंने कहा था ना, अपशुकनों की भाषा नहीं समझती थी ना, फेल हो गई ना है? मैं कितनी बार कहा रिजल्ट देखने मत जा, मगर मेरी एक नहीं सुनी। अब तू जिसमें फेल हुई उसी क्लास में कैसे बैठेगी? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबूजी ये उदास इसलिए है कि ये अपशुकन इसके एग्जाम के वक्त क्यों नहीं हुए? बेचारी स्कूल टॉप करते करते रह गई। मैं पूरे स्कूल में दूसरे नंबर से ही पास हो सकी बाबूजी। नबस तो चल रही, चक्कर किस बात पे आया? मेरे पास होने की खबर सुनते ही बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब क्या बात है? इन्हें दवा से ज्यादा खबरों की जरूरत है। दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है ऐसा तो सुना था, लेकिन दवाओं से ज्यादा खबरों की जरूरत है ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। अरे भाई, हर जीव जंतु को अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है, इनको ऐसे मंत्र सुनाओ जिसमें फेल बात पे जोर हो। फेल फेल। अच्छा अच्छा, ये पास हो गए इसलिए फेल फेल सुनाना पड़ेगा। हाँ समझा। बाबूजी देखिए, भारत 7 विकेट से हार गया है। लाल आतंकवादी 5वीं बम ब्लास्ट में नाकामयाब रहे। अरे सुनते हो, अरे मेरी तबेले वाली सहेली है ना, उसकी भैंस पानी में डूब गई। डैडी सिर्फ 30% ही पास हुए, बाकी फेल। नटवरलाल, हमारी बंगले की इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई है। अरे उससे बड़ी बात ये है कि मेरा एक तुम्हारे जैसा करोड़पति मरीज, उसका हार्ट फेल हो गया, वो मर गया। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। आखिरी गोली ज्यादा पावरफुल थी नहीं? आप स्वस्थ तो है? अरे इस देश में जिसकी बेटी एग्जाम में पास हो जाए उसका बाप कैसे स्वस्थ हो सकता है? क्यों भाई? अरे भाई, बेटी का पास होना मतलब ऊंची शिक्षा। हाँ। ऊंची शिक्षा का मतलब है ऊंचा वर, ऊंचे वर का मतलब है ऊंचा खर्चा, ऊंचे खर्च का मतलब है गिरती हुई आर्थिक स्थिति, गिरती हुई आर्थिक स्थिति का मतलब है गिरता हुआ स्वास्थ्य। जिसकी बेटी होती है उसका बाप के हाथ में कटोरा होता है। कुछ दे दे डॉक्टर। तू पहले मेरी फीस दे यार। हाँ, 100 रुपए अभी के और 200 रुपए पिछले 300 रुपए। क्यों, तुम मुझे होश में नहीं आने देना चाहते? क्या? तू मेरी फीस दे यार। नहीं, कुछ है? अभी तक गए नहीं, आपके स्वाब तो जिंदा है, इनकी फीस शायद। हाँ लाना था। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, तू मर ही जाता तो। अबे डॉक्टर साहब चने खा लेना। हेलो। हाय संध्या, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। थैंक्स यार, बस टॉप पर होते होते रह गई। क्या करूँ, जिस फैसिलिटी में मैं पढ़ाई करती हूँ वहाँ तो पास होना भी मुश्किल है। अरे वही मेरे डैडी कॉपी और पेंसिल के लिए पैसे देते देते उनकी सांस आती है। बिल्कुल ठीक कहा तूने, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक वैसे ही है। क्या पार्टी? नहीं बाबा, मैं पार्टी से नहीं डर रही हूँ, पहले अपने डैडी से पूछ लूँ, मरने तक कंफर्म कर लूंगी। ओके बाय। डैडी मेरी सहेलियाँ पार्टी जाती है। कौन सी पार्टी, पॉलिटिकल या सोशल? मेरे पास होने की खुशी में। तो एक काम कर, 125 रुपये के चने कुरमुरे खिला दे। डैडी मैं मैट्रिक पास हूँ। तो कौन सी कलेक्टरी पास कर दी तुमने? डैडी चने कुरमुरे खिलाने से आपकी इज्जत? भार में गई मेरी इज्जत? अरे मेरी इज्जत के लिए अगर खर्चा करना पड़े तो इससे बेहतर होगा कि मैं बेइज्जत रहूं। मैं तुझे पूरी छूट देता हूँ कि भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे जाकर मेरी इज्जत का नीलाम कर दो। पार्टी देने लगा। क्या पार्टी जी, क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब तेरा कसूर है। हेलो, मैं तो अभी बाहर से आ रही हूँ, मैंने क्या किया? अरे तूने खर्चीली औलाद पैदा कर दी। मेरा क्या कसूर है?
जब ये पैदा हुई थी तो तुम ही तो नत्थू की नौटंकी से अपनी जेब कटा कर आ गए थे। जब से पैदा हुई है मेरे जेब में वो डाका डालती रहती है। जेब में डाका डालने की क्या बात है, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी पार्टी की बात कर रही हूँ। पार्टी कभी छोटी मोटी नहीं होती है। अरे कई लोग तो खाने पे दुश्मनों की तरह टूट पड़ते हैं। अरे कई लोग तो ऐसे होते हैं 3 दिन से खाना बंद कर देते हैं और कहते हैं पार्टी में जाके खा लेंगे। मगर बाबूजी, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेरी बेहोशी टूटी है, तू मुझे मरवाना चाहती है, है? अरे पार्टी के अंदर आलतू फालतू चीजें खाने से पेट खराब होता है, भूल जा पार्टी पार्टी। नटोलाल, मैं यहाँ आपको कैसे पता चला कि आपको और भामा को पार्टी में जाना है? पार्टी? कैसी पार्टी? अरे वो गोलू का बेटा पास हुआ ना, तो वो तो पार्टी दे रहा है आज शाम को। ये लो कार्ड। पार्टी देने का फैसला उसने कब किया? कल। तो मुझे कल बता देना चाहिए ना, मैं 2 दिन का उपवास रखता, पार्टी में अच्छा खासा खा सकता। अब पार्टी में उल्टी सीधी चीज खाने से नुकसान ही होगा क्या? पार्टी जब दूसरा देता है ना तो पेट बहुत अच्छा रहता है, और पार्टी जब खुद को देनी पड़ती है ना तब पेट खराब होता है। ये पाचन शक्ति का नियम है, तू नहीं समझेगी। कोई आने वाला है, किसी के आने की सूचना? किसी को भी आना मत देना अंदर, और अगर आया ना तो निकाल देना उसको, समझे? चल बामा तैयार होते हैं, चलो चलो पार्टी से मेरे लिए आइसक्रीम लाना।